इस तरीका से जवाब दिया है। बात क्या है, क्यों रो रही हो, कारण क्या है? मैया पवरेखा ने राक्षस का रूप अपने पिया के रूप में देखा तो भोली भाली पवरेखा समझ गई कि मेरे पिया आ गए। कहने लगी, पिया तुम इतनी जल्दी, मैं तो तुम्हें महलों में ही छोड़ के आई थी, बोला तुम इतनी जल्दी आ गए। राक्षस कहने लगा, भद्रे तुम्हारे बिन हमसे एक मिनट नहीं रहा जाता, तुम्हारे रोने की आवाज मेरे कानों में गई, मेरे से रुका नहीं गया। पवर रेखा को लेकर के वो नालायक बैठ जाता है, मीठी मीठी बातों में मैया को बहलाने लगा। कहने लगा, भद्रे आज बड़ा सुहाना दिन है, जो कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, छोटी 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 बूंदें पड़ रही हैं, फूलों पर भमरा के लोके कर रहे हैं, मधुमक्खियां भिन्ना रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है। मैया पवर रेखा उस नालायक की भावना को पहचान नहीं पाई, ये नहीं समझ पाई कि मेरे पिया ही हैं या कोई और है। मैया ने अपने पति को ही समझा। कि धोखे सी बा नीचनी कियो सती संग भोग, प्रकट है गौवंतमी बपापी को संयोग। धोखे से छल कपट के द्वारा उस नालायक ने मैया के साथ में गलत व्यवहार कर दिया। गलत व्यवहार बना करके ये अपने भेष में हंसने लगा है। तो मैया बोली,